आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपके बच्चे का टीदिंग फेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए और जो टीदिंग फेज़ के दौरान जो डिस्कम्फर्ट होता है बच्चे को उससे बचाया जा सके, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो टीदिंग फेज़ है ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है। थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट होता है वो टीदिंग के कारण नहीं होता, वो कुछ और कारण से होता है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो जो टीदिंग फेज़ के दौरान बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे हमारे बच्चे के दांत आना शुरू ही हुआ है, चलो ये फटाफट से जा करके एलोपैथी की या कोई मेडिसिन ले आते हैं जिससे कि हमारे बच्चे का जो टाइम पीरियड है बहुत ईजी हो जाए और उसको ज़्यादा पेन वगैरह ना हो। देखिए जब भी टीद आते हैं तो ये पेन वाला प्रोसेस नहीं होता, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाला प्रोसेस ज़रूर होता है, बट अगर आप इसमें किसी भी तरीके के मेडिसिंस लेते हैं एकदम ही इनिशियल फेसेस पे, देखिए अगर बच्चे को परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप बेमतलब में बहुत ज़्यादा उसको दवाइयाँ मत दीजिए। इससे टीदिंग फेज़ में इंटरप्शंस होते हैं और टीदिंग फेज समटाइम्स डिले हो जाता है और डिस्कम्फर्ट समटाइम्स लेटर ऑन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपने मेडिकेशंस नहीं देने हैं। बात आती है कि आपके बच्चे का टीदिंग फेज़ का ड्यूरेशन क्या, मतलब कितने समय से जो पहला दांत है बच्चे का आता है। यूजुअली जो देखा जाता है ना वो 5 महीने से लेकर 8 महीने तक पहला दांत जो है वो आ जाता है, लेकिन मेरी जैसे डॉटर के टाइम पे उसके जो दांत था वो 4 महीने पे ही आ गया था। और मुझे लगता है उसका कारण ये था कि मैं उसको बर्थ के समय से ही रेगुलरली विटामिन D3 और कैल्शियम का सप्लीमेंट देती थी, तो शायद उसकी वजह से उसका टीदिंग फेज थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। लेकिन मेरी डॉटर का 4 मंथ पे उसका पहला दांत आ गया था, बट यूजुअली 5 महीने 6 महीने ऐसे करके जो टीदिंग का टाइम होता है पहले दांत आने का। अगर आपके बच्चे का दांत 1 साल के अंदर नहीं आता पहला वाला, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D3 प्रॉपर ना मिल रहा हो, जिसकी वजह से टीथिंग फेस इतना ज़्यादा डिले हो गया है। कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का टीदिंग फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे कि अगर आपके बच्चे बार बार कोई भी चीज़ को अपने मुंह में देते हैं, जो भी उनके हाथ में आता है वो तुरंत उसको मुंह में देते हैं, अपने थंब को सक करते हैं या अपने इस तरीके से पूरे हाथ को सक करते हैं बार बार, ये भी एक साइन होता है कि बच्चे के टीदिंग जो है वो शुरू होने वाली है। उसके गम्स में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या मतलब एक सेंसेशन हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे हर चीज़ को अपने मुँह में डालते हैं। अगर आप अपने बच्चे के गम्स को देखेंगे थोड़े से रेड हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और थोड़े से सूजे हुए आपको फील होते हैं, ये भी एक साइन होता है कि बच्चे के टीदिंग फेज जो है वो शुरू होने वाला है। समटाइम्स बच्चे को फीवर आ जाता है, लूज मोशन आ जाते हैं या फिर पेट में क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। इसका कारण जो है वो टीदिंग नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, इसका कारण होता है कि जब टीदिंग फेज के दौरान बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है उसकी गम्स में, तो वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालता है। और हर चीज़ साफ़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी उस पर डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कभी जर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको फीवर, लूज मोशंस, डायरिया या तो फिर उसके पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के आसपास सफाई रखेंगे, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आपके बच्चे ने खाना खाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, उसका खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं होता, और अगर आपके बच्चे ने ऑलरेडी सॉलिड से स्टार्ट कर चुका है और सॉलिड भी अब उसको बिल्कुल भी मन नहीं होता खाने का, बस लिक्विडी चीज़ें खा लेता है, बट जो थोड़ी सी भी मैशी चीज़ें होती हैं उनको भी वो कंज्यूम नहीं कर रहा, तो ये भी एक साइन होता है कि आपके बच्चे का टीदिंग फेज जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आपके बच्चे जो है रात को अच्छे से सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये भी एक साइन होता है कि आपके बच्चे का टीदिंग फेज जो है वो शुरू होने वाला है। अब बात आती है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का टीदिंग फेज जो है वो आसान हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चे के गम्स की मसाज कर सकते हैं। इस तरीके के एक फिंगर ब्रशेज आते हैं जिनमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उससे आप बच्चे का मसाज करेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपनी फिंगर को एक हल्का सा ठंडा पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, हल्का ठंडे पानी में आप गम्स से मसाज कर सकते हैं गम्स की, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सूदिंग लगेगा। जब भी आपको लग रहा है कि बच्चे के गम्स जो है वो सूज रहे हैं, रेड हो रहे हैं या हार्ड हो रहे हैं, ऐसे समय में ज़्यादा गर्म चीज़ें देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ें बच्चे को खिलाएंगे तो उससे ये इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे का डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है।
ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं दे सकते, ऑल दो ठंडी चीज़ें बच्चों को फ़ायदा करेंगी, बट ठंडी चीज़ें देने से बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होने का डर रहेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा रूम टेम्परेचर पे दीजिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें आपने देने नहीं हैं। इसके अलावा आप टीदर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में सिलिकॉन के। आप प्लास्टिक वाले अवॉइड करिए, उससे बच्चे के गम्स उल्टा और ज़्यादा छिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे टीदर्स का एक बार वीडियो बनाया था, ऑल्दो वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो था लव लैब का, बट ट्रस्ट मी वो टीदर्स सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अभी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट स्टिल मैं उन जो टीदर्स थे वो उनका मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके अलावा भी आई थिंक मैंने एक दो टीदर्स का रिव्यू दिया था, मैं अगेन वीडियोज़ ढूंढ के ना लिंक नीचे देती हूँ आपको, तो वो चेक करिएगा। सो सिलिकॉन के आपने टेक्सचर वाले बच्चे को टीदर्स देने हैं, और टीदर्स ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चा जिसको होल्ड कर सके। कुछ कुछ टीदर्स बड़े बड़े आते हैं, उनमें ग्रैब करने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, तो बच्चे उनको फेंक देते, नहीं यूज़ कर पाते। तो टीदर ऐसा लीजिए जो बच्चे के हैंडी हो और सॉफ्ट हो और बच्चा आराम से उसको यू नो च्यू कर पाए। तो ये टीदर्स भी जो है वो गम्स को सूद करने में हेल्प करते हैं, प्लस टीदिंग प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टन अप करते हैं। अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है तो आप बच्चे के गम्स पे हनी से मसाज कर सकते हैं। जो शहद होता है अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाए, मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि सबसे जो टेस्टिंग कुछ हुई थी तो शहदों में सबसे अच्छा शहद जो है सफोला का माना गया था उस टेस्ट के दौरान। तो आप सफोला का ले सकते हैं, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, बट आप सफोला का शहद ले सकते हैं और आप उससे बच्चे के गम्स में मसाज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस फिंगर में डिप करके फिर आपको शहद से मसाज करेंगे तो भी टीदिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। दूसरा, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी तरीके का कैल्शियम विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उम्मीद है कि आपके डॉक्टर ने बर्थ के समय पे दिया होगा, ज़्यादातर डॉक्टर्स देते हैं, बट अगर नहीं दिया है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कीजिए और बच्चे को कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स देना चालू करिए, सो दैट बच्चे की टीदिंग फेज जो है वो क्विकली होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चे को तिलिस्मी मोती पहनाना है। देखिए, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये तिलिस्मी मोती को नहीं मानती, लेकिन इसके पीछे का मैं आपको फंडा बताती हूँ। ये जो तिलिस्मी मोती होते हैं ये 5 धातुओं से मिलके बना हुआ होता है और ये अमेजोन पर अवेलेबल है, जिसको आपको अपने बच्चे के कंठ पर पहनाना होता है, गर्दन पर पहनाना होता है, और इससे इस तरीके के जो हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, सो दैट टीदिंग फेस आसान हो जाता है। और ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ है, ये कोई ऐसा मतलब अंधविश्वास नहीं है। मेरी डॉटर को मैंने पहनाया था ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स पे, जैसे मैंने आपको बताया ना 4 मंथ्स पे उसको टीदिंग शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट मैंने 3.5 मंथ 4 मंथ पे उसको शुरू करा दिया था ये पहना के, और ऑलमोस्ट उसने 1 साल तक पहना है। तो जब वो छोटी थी उस टाइम के, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा वो गले में हमेशा इस तरीके का ये जो है ना हमेशा पहन के रखती थी, और उसको टीदिंग में टच वुड उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया था, बिल्कुल भी उसको इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था जैसे मैंने बाकी बच्चों का देखा है और सुना है। तो आप ये ज़रूर पहना सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट बच्चों को करता नहीं है, तो आप इसको ज़रूर परचेस कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा सस्ता भी था, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, एंड मैंने अमेजोन से ही इसको परचेस किया था, तो आप इसको ले सकते हैं। सो अगली बात ये है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि आपको अपने बच्चे के टीदिंग फेज के दौरान नहीं करना है। सबसे पहली बात होती है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ें होती है। देखिए, कुछ बच्चों का बहुत टीदिंग फेज आसान होता है, कुछ को कम डिस्कम्फर्ट होता है, किसी को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आपका बच्चा इस दौरान बहुत ज़्यादा क्रैंकी एंड फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है, तो आपको अपने बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करना है। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, तो पेशेंस आपने रखना है, बच्चे को थोड़ा सूद करने के लिए कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे के आसपास आपने सफाई रखनी है, उसके जो टीदर्स हैं बॉटल्स हैं उसको डेली बेसिस पे स्टरलाइज कीजिए, सो दैट उस पर किसी भी तरीके का डर्ट या किसी भी तरीके की गंदगी ना लगे, जिससे कि उसके पेट खराब हो या फीवर आए, इस तरीके के इश्यूज नहीं होंगे। बच्चे के हाथ में हमेशा मिटन्स पहना के रखिए कि बच्चा अपने हाथ को भी बार बार सक ना करे, और अगर वो मिटन पहनाने के बाद भी अगर सक कर रहा है तो फिर उस केस में आपको मिटन्स निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े को अगर सक करेगा तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा कंपैरेटिवली टू स्किन के। स्किन उसको इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएगी, जो थोड़ा बहुत हार्म करेगा वो डर्ट या गंदगी ही प्रोवोक कर सकती है हार्म उसको अदरवाइज, लेकिन कपड़ा अगर सक करेगा तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड डाइज होते हैं जो कि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके नेल्स को अच्छे से क्लीन रखिए, क्योंकि जब बच्चे को हाथ को अपने को ऐसे सक करता है या फिर बहुत ज़्यादा इरीटेटेड होता है तो वो अपने हाथों को इस तरीके से चलाता है, जिसकी वजह से नेल्स की वजह से उसको समटाइम्स स्क्रैचेस आ जाते हैं।
तो आपको अच्छे से बच्चे के नेल्स को क्लीन करके रखना है, काट के रखना है। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे डाइट कम कर दिया है, सॉलिड्स पहले खा रहे थे अभी कम कर दिया है, तो आप थोड़ा सा लिक्विड डाइट पे मूव करिए। बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को थोड़ा सा खिलाना शुरू करिए, सो दैट बच्चा डाइट को कंज्यूम करे। इस टाइम पे थोड़ा सा अगर आप डाइट उसके हिसाब से करेंगे तो डोंट वरी, बच्चा अडिक्टेड नहीं होगा, बच्चे को ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पिकी नहीं बनेगा। लेकिन इस टाइम पे बच्चे को इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बच्चे को लिक्विड डाइट आप कराइए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बच्चे को फिर जो फ्रीक्वेंसी है फीड कराने की उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सो दैट उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।